हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम इज द मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है वो मेन एक्सक्रेट सिस्टम होता है, जहाँ से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रेट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू किडनी, टू यूरिट्रस और एन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। क्या क्या होता है इसमें? दो किडनी होती है और टू यूरिटर्स होते हैं और एक यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिथ्रा। ये इसका स्ट्रक्चर है। किडनी क्या होती है? दे आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन लाइंग्स ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम। ये कहाँ पे होते हैं? दो होती है और ये बीन शेप ऑर्गन होता है। ये कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल वॉल के अंदर। फंक्शंस क्या होते हैं किडनी के? एक्सक्रीशंस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन मेटाबोलिज्म। एक्सक्रीट करता है वाटर को, वेस्ट प्रोडक्ट को, हमारे प्रोटीन मेटाबोलिज्म। एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस सॉल्ट को और एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, ड्रग्स एंड टॉक्सिन। क्या एक्सक्रीट करता है? हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जैसे ड्रग हो गया, टॉक्सिन्स हो गए। रेगुलेट करके रखता है हमारे पीएच ऑफ ब्लड को। पोजीशंस ऑफ द किडनी, किडनी कहाँ पे होते हैं? द किडनी एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा टू द एंड सॉरी टू द थर्ड लंबर वर्टिब्रा। द राइट किडनी इज स्मॉलर देन द लेफ्ट किडनी। हमारी राइट किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी से स्मॉलर होती है। ईच किडनी मेजर 11 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। जो हमारी किडनी होती है वो 11 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर थिक होती है। ईच किडनी वेट अबाउट 150 ग्राम्स। जो दोनों किडनी होती है एक हर एक का 150 ग्राम वेट होता है। दी आउटर बॉर्डर ऑफ किडनी इज कॉन्वेक्स। जो उसका आउटर बॉर्डर होता है वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है। दी इनर बॉर्डर इज कॉन्केव। जो इनर बॉर्डर होता है उसका वो कॉन्केव होता है। इट इज कॉल्ड एज हीलियम। ब्लड वेसल्स एंटर एंड लीव द किडनी थ्रू द हीलियम। जो ब्लड वेसल्स होती है वो एंटर करते हैं और लीव करते हैं किडनी को थ्रू द हीलियम में। ए सुप्रानेंटल ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द अपेक्स ऑफ ईच किडनी। स्ट्रक्चर्स ऑफ किडनी। किडनी इज सराउंडेड बाय एन आउटर फाइब्रस कैप्सूल। बिलो दिस लाई द सब्सटेंस ऑफ द किडनी विच कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कोटेक्स विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर, इनर मेडुला विच कंटेन्स पिरामिड ऑफ द किडनी एंड अपर एक्सपेंडेड एंड ऑफ यूरेटर कॉल्ड पेल्विस। इस किडनी का स्ट्रक्चर। हमारी किडनी बीन शेप की होती है, ये बीन शेप है। माइक्रोस्कोपिकली द किडनीज आर मेड ऑफ ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। माइक्रोस्कोपली जब हम किडनी को के जो नंबर होते हैं उसके स्ट्रक्चर और जो फंक्शंस होते हैं उनको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। दे आर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, मेलिफिजियन बॉडीज मेड ऑफ बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस और रिनल ट्यूबल्स। मेलिफिजियन बॉडीज क्या होते हैं? इट इज मेड ऑफ एन अपर एक्सपेंडेड ऑफ द रिनल ट्यूबल्स कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। सेकेंड है हमारा बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस विच आर पैक्ड इन बोमेन कैप्सूल। द मेलिफिजियन बॉडीज आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। रिनल ट्यूबल्स क्या होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, प्रोक्सीमल कन्वर्टेड ट्यूबल सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स, लूप ऑफ हेनल प्रेजेंट इन द मेडुला, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स और कलेक्टिंग ट्यूबल्स विच पास थ्रू द मेडुला एंड ओपन इन टू द पेल्विस ऑफ किडनी। ये क्या है? इसका कलेक्शन स्ट्रक्चर ऑफ रिनल ट्यूबल। ब्लड सप्लाई टू किडनी, किडनीज आर सप्लाइड बाई रीनल आर्टरीज विच आर ब्रांचेज ऑफ एबडोमिनल अयोटा। किडनीज कहाँ पे सप्लाई करते हैं ब्लड को? रीनल आर्टरीज में, जो किसकी ब्रांच होते हैं? एबडोमिनल अयोटा की। वेनस ब्लड ऑफ किडनी इज ड्रेन बाई रीनल वेन्स विच ओपन इन टू इन्फीरियर वेना कावा की। जो किडनी होते हैं ब्लड लेते हैं रीनल वेन्स का, वो कहाँ पे जाके ओपन होता है? इन्फीरियर वेना कावा में। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, हमारा जो यूरिन वो कैसे बनता है? इसकी प्रोसेस के 3 पार्ट्स है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबल सिक्रेशन, ट्यूबल रिजॉर्प्शन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंस अकर इन द ग्लोमेरुलर। फिल्ट्रेशन जो हमारे वाटर सॉल्ट्स और जो अदर सब्सटेंस होते हैं वो कहाँ पे फिल्टर होते हैं? ग्लोमेरुलाई में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटर इज द फ्लूइड दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन। अबाउट 100 ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड पर मिनट। 100 ml में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितने? 1 मिनट में 100 ml फिल्टर करता है। दिस फिल्ट्रेट पास इनटू द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है? इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस विच अकर्स इन द कन्वर्टेड ट्यूबल्स। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जो क्या अकर करते हैं? कन्वर्टेड ट्यूबल्स। एबनॉर्मल सब्सटेंस और नॉर्मल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेस इन ब्लड आर एलिमिनेटेड बाय दिस प्रोसेस। पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन आर एक्सक्रीटेड बाय ट्यूबुलर सिक्रेशन।
ट्यूबुलर रिब्जॉर्प्शन क्या होता है, द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज अबाउट 100 ml पर मिनट। जो रेट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का वो कितना होता है 100 ml पर मिनट। सो अबाउट 6 liter ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कैन बी फॉर्म्ड इन 1 hour, बट द वॉल्यूम ऑफ यूरिन एलिमिनेटेड पर डे इज ओनली अबाउट 1 liter। पर डे हम कितना यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, 1.5 liter। इट इज सो बिकॉज नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्टर इज रीअब्सॉर्ब्ड। ये किस किस कारण से होता है, 99% हमारा जो ग्लोमेरुलर होता है वो फिल्ट्रेट करके रीअब्सॉर्ब कर लेता है। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर इन द कन्वर्टेड ट्यूबल्स, रीअब्सॉर्ब करता है वाटर को जो क्या कन्वर्टेड कर रहा है, ट्यूबल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूबल्स में। इट इन एडिशन टू वाटर सम साल्ट्स आर आल्सो रीअब्सॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूबल्स। यूरिन इज द फ्लूइड दैट रिजल्ट फ्रॉम द अबाउट 3 प्रोसेस। इट एंटर द कलेक्टिंग ट्यूबल्स एंड देन द पेल्विस ऑफ किडनी। कहाँ पर एंटर होता है ये, कहाँ पर इट एंटर द कलेक्टिंग ट्यूबल्स में और देन इन टू द पेल्विस ऑफ किडनी। फ्रॉम देयर इट एंटर्स द यूरिनरी ब्लड थ्रू यूरेटर। यूरेट्रा क्या होता है, इट इज़ द डक्ट विच कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर। ये एक डक्ट होती है जो कैरी करती है यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, किडनी से ब्लैडर की ओर। इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेजरिंग अबाउट 26 cm इन लेंथ। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या जो कितना होता है 26 सेंटीमीटर लंबा। इट कॉमेंसिंस फ्रॉम द पेल्विस ऑफ किडनी, लेटर इट पासिस डाउन इन द एबडोमिनल कैविटी। कहाँ से पास होता है, एबडोमिनल कैविटी से एंड ओपन इन द पोस्टीरियर एक्सेप्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिटर इज मेड ऑफ एन आउटर फेवरस लेयर, मिडल मस्कुलर लेयर, इनर म्यूकस लेयर। यूरिनरी ब्लैडर इट इज अ पियर शेप्ड मस्कुलर सैक विच एक्ट एज रिजर्वेयर ऑफ फॉर यूरिन। इट लाइज इन द पेल्विस कैविटी बिहाइंड सिम्फिसिस पबिश। कहाँ पे होता है, पेल्विस कैविटी के पीछे की ओर सिम्फिसिस पबिश में। द लोएस्ट पार्ट ऑफ ब्लैडर इज कॉल्ड एज बेस एंड अपर पार्ट इज कॉल्ड फंडस। ब्लैडर हैज़ 3 openings, 2 for यूट्रस और एंड 1 for यूरिथ्रा। द ट्रेंगुलर एरिया बिटवीन दिस ओपनिंग इन द ट्रिगोन ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर इज मेड ऑफ 4 layers, फर्स्ट आउटर सीरस कोट, सेकेंड मस्कुलर कोट, थर्ड है सब म्यूकस कोट और फोर्थ है म्यूकस। यूरिथ्रा क्या होता है, इट इज़ ए कैनाल थ्रू विच यूरिन पासिस फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड। ये एक कैनाल होती है जहाँ पे हमारा जो यूरिन है वो पास होता है ब्लैडर से ब्लैडर टू आउटसाइड। इट डिफर्स इन द मेल एंड फीमेल बट ए स्पिंचर इज प्रेजेंट इन बोथ। मेल यूरिथ्रा क्या होता है, इट इज़ अबाउट 20 cm इन लेंथ। इट कंसिस्ट ऑफ 3 parts, पेल्विस, पेरिनियल पार्ट और पीनियल पार्ट। फीमेल यूरिथ्रा क्या होता है, इट इज शॉर्ट एंड मेजर अबाउट 4 cm इन लेंथ। इट स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ ब्लैडर एट ट्रिगोन। इट ओपन्स एक्सटर्नली इन फ्रंट ऑफ वैगिनल ओपनिंग। मैच्यूरेशन क्या होता है, मैच्यूरेशन इट इज एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन। व्हेन यूरिन एक्युमुलेट्स इन द ब्लैडर इट प्रोड्यूस स्ट्रेचिंग ऑफ इट्स वॉल। दे रेज द प्रेशर विद इन द ब्लैडर एंड ये क्या होता है, यहाँ से हमारा जो यूरिन पासिंग होती है जिसको बोलते हैं मैच्यूरेशन। व्हेन यूरिन एक्युमुलेट्स इन द ब्लैडर, जब यूरिन ब्लैडर के अंदर होता है तो इट प्रोड्यूस स्ट्रक्चिंग ऑफ इट्स वॉल। दिस रेजेस द प्रेशर विद इन द ब्लैडर। दिस अकर व्हेन 170 to 230 ml ऑफ यूरिन हैज कलेक्टेड। हमारे ब्लैडर में कितना यूरिन कलेक्ट होता है, 170 से 230 ml इन द ब्लैडर। दिस इन टर्न स्टिमुलेट्स द एफरेंट नर्व्स ऑफ द ब्लैडर। द इम्पल्सिस आर कैरिड टू हायर सेंटर्स विच कंट्रोल मैच्यूरेशन। जो इसका जो ये कैरी करके रखता है तो सेंटर, इसका जो मेन सेंटर होता है जहाँ पे ये इस यूरिन को कंट्रोल करके वो क्या होता है, मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन अकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मस्कुलर कोट ऑफ द ब्लैडर एंड इलेक्शन ऑफ द स्पिंचर। इट इज ऑल्सो असिस्ट बाई कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, द वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रेटेड इन मैन वेरीज फ्रॉम 1 to 2 liter। जो वॉल्यूम होते हैं हमारे यूरिन की कितनी होती है, 1 to 2 liter डेली एक्सक्रीट करते हैं। द कलर ऑफ यूरिन इज पेलम्बर, पेरिया येलो कलर का। ऑर्डर इज ऑरोमेटिक एंड रिएक्शन इज स्लाइटली एसिडिक। स्पेसिफिक ग्रेविटी वेराइज फ्रॉम 1010 to 1025। और यूरिन कंसिस्ट किससे होता है, वाटर होता है इसमें 96%, यूरिया होता है 2%, यूरिक एसिड एंड सॉल्ट्स होते हैं 2%। डिसीज ऑफ द यूरिन सिस्टर ग्रोमेलुलो नेफ्रेसिस एंड इन्फेक्शन ऑफ किडनी लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाइट। पाइलेटिस क्या होता है, एंड इन्फ्लेमेशन इन पेल्विस ऑफ किडनी ड्यू टू इन्फेक्शन। पोलीयूरिया सिक्रीशन ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ यूरिन, एनोयूरिया सीजेशन ऑफ यूरिन सिक्रीशन, रीनल कैलकुलाई, डिपोजिशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन यूरिनरी ट्रैक्ट, सिस्टिक इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर।
ओडिमा क्या होता है? इट इज़ अ वाटर लॉन्गिंग ऑफ द टिश्यू. इट अकर्स एज स्वेलिंग ऑफ द बॉडी और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट अकर्स एज स्वेलिंग ऑफ द बॉडी और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू रिटेंशन ऑफ फ्लूइड. ये एक वाटर लॉन्गिंग टिश्यू होता है. इट अकर्स एज स्वेलिंग, इससे हमारी बॉडी पे स्वेलिंग आने लगती है बॉडी के किसी भी पार्ट पे रिटेंशन ऑफ फ्लूइड की वजह से. ओडिमा कैन अकर ड्यू टू ए वैरायटी ऑफ कॉजेस. ओडिमा ऑफ रीनल फेलियर. इट अकर्स एज फॉलोअर्स, प्लाज्मा प्रोटीन एक्सक्रीट इन किडनी फेलियर. जब हमारा प्लाज्मा प्रोटीन एक्सक्रीट होता है तो हमारी किडनी फेल हो जाती है. दिस प्रोड्यूस अ डिक्रीज इन ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. दिस प्रोड्यूस ए डिक्रीज इन ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. तो ये ब्लड के रूप में डिक्रीज होने लग जाता है ऑस्मेटिक प्रेशर. सो एंट्री ऑफ फ्लूड एट द वेनस साइड इज डिक्रीज. दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन टिश्यू स्पेस. इट रिजल्ट इन स्वेलिंग लीडिंग टू ओडिमा. कार्डियक ओडिमा क्या होता है? इट अकर्स इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट. ये क्या होता है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट. वेनस फ्लूड इज नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज टू द हार्ट. सो फ्लूड एक्युमुलेट्स इन टिश्यू प्रोडक्शन. मेन इसमें है ओडिमा ऑफ रीनल फेलियर. ये तीन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ लेना. ये आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया. अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी टॉपिक समझ ना आया तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं. थैंक यू.